बात करते हैं। श्रीनिवासन क्या कहेंगे, प्रदर्शन हो रहा है एलपीजी पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस। 2014 में महंगाई को डयन बना के रखा था ये बीजेपी वाले ने, आज उसी डयन को डार्लिंग बना के बेडरूम में बिठाने का काम इन लोग ने किया है। इन लोग ने विकास किस में कर रहा है, पेट्रोल डीजल गैस का विकास, कीमती का विकास करने का कर रहा है, देश का जनता को विनाश करने में लगा है। शर्म आना चाहिए ये सरकार को। जो चुनाव खत्म हो गया, लॉकडाउन हो गया, लॉकडाउन हट गया, जो 137 डेज इन लोग ने जो महंगाई का, जो पेट्रोल डीजल का इन लोग ने लॉकडाउन लगाया था उसको हटा दिया, अभी चुनाव नहीं है फिर वापस महंगाई का काम। ये कहा जा रहा है इसकी बड़ी वजह यूक्रेन और रशिया की वॉर भी। ये सरकार ने खुद पार्लियामेंट में क्लियर किया है, रशिया से यूक्रेन से कोई हमने तेल परचेस नहीं कर रहे करके। ये सरकार की बात है, हमारा बात नहीं है। जनता का मूर्ख बनाना बंद करो, जनता का जिंदगी में खेलना बंद करो। जो महिला रसोई में किस तरीके के आंसू में हाथ धो रहा है उसके बारे में सोचना है। जब 2014 में निकम में सरकार खेल रही थी, स्मृति ईरानी, जावड़ेकर, रविशंकर प्रसाद, इनका बहुत संस्कार सरकार है, आज कहाँ है। जो अभी 950 रुपए डीजल हुआ तब गैस हुआ, तब इन लोग ने 400 रुपए गैस को लेके सड़क पे उतर के ड्रामा कर। हम जानते हैं स्मृति ईरानी जी आप अच्छे एक्टिंग करते हैं, सीरियल में काम किया है, असली आप मंत्री है, असली तो आके बात करो महिला के बारे में। लगातार कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है, असर होगा इसका। ये गुंगे बेरे निकम में सरकार है, ये सुनती नहीं है, देश का जनता सुनते नहीं है, अपनी अपनी बात बोलती है, अपनी नारा से जनता को कोई नारा लगाने से खाना नहीं मिलता है, महंगाई कम नहीं होता है। बीजेपी है तो महंगाई है, आप जनता के बारे में सोचो, जनता के लिए आप ऐसे कदम उठाओ, नहीं तो ये जनता ने आपको वहाँ बिठाया है, यही जनता ने उखाड़ के फेंकने का काम करेंगे। तो आप देखेंगे यहाँ पर यूथ कांग्रेस का बड़ा प्रदर्शन है, स्टॉक पेट्रोलियम मिनिस्टर हरदीप पुरी के घर के बाहर है, और यहाँ देखें यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता जो है इस तरह से बैरिकेडिंग पे खड़े हैं, पुलिस बल यहाँ पर मौजूद है, लगातार इन लोगों को यहाँ पर रोकने की कोशिश जो है वो की जा रही है। आप देखें कि यहाँ पर महिलाएं भी इस प्रोटेस्ट में शामिल है, पेट्रोल डीजल और एलपीजी के दामों को लेकर। तो आप देखें किस तरह से जो बैरिकेडिंग है उसको पार करके जो यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता है वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, और पुलिस लगातार उन्हें रोकने की प्रयास कर रही है। आप देखिए किस तरह से यहाँ पर पुलिस और यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता, खास तौर से अगर बात करें तो श्रीनिवास जो है यहाँ पर अध्यक्ष जो है वो लगातार आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, उनके पीछे उनके सभी कार्यकर्ता हैं और साथ साथ महिलाएं भी हैं जो यहाँ पर आगे बढ़ने की कोशिश में है, ताकि वो किसी तरह से पेट्रोलियम मिनिस्टर हरदीप पुरी के घर के बाहर तक पहुंच जाएं। और देखें यहाँ पर किस तरह से उनको रोकने की कोशिश जो है वो की जा रही है, पूरे प्रयास है, पुलिस लगातार उन्हें पीछे खींच रही है, बावजूद उसके वो लोग आगे बढ़ रहे हैं। और देखिये तस्वीरें, जरा तस्वीरें देखिए किस तरह से वो यहाँ पर बैठ गए हैं और कोशिश कर रहे हैं कार्यकर्ता कि वो किसी भी तरह से आगे बढ़े। आप देखिए हाथ में उनके प्लेकार्ड्स हैं और पुलिस की तरफ से लगातार उन्हें पीछे करने की कोशिश जो है वो की जा रही है। तो ये जो आज प्रदर्शन है यूथ कांग्रेस का, वो पेट्रोल डीजल और एलपीजी के बढ़े हुए दामों को लेकर है। यहाँ पर सभी कार्यकर्ता मौजूद हैं, लगातार नारेबाजी कर रहे हैं, खास तौर से अगर बात करें तो सरकार विरोधी नारेबाजी यहाँ पर कर रहे हैं, लगातार पेट्रोल डीजल और एलपीजी के बढ़े हुए दामों को लेकर यहाँ पर मुद्दे उठा रहे हैं। कैमरा पर्सन मनीष के साथ मध्य बीप न्यूज दिल्ली।